न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय सुपर 35 कोचिंग इंस्टीट्यूट रीवा। और अब बात करते हैं सतना जिले की, जहां चित्रकूट मार्ग में एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो नियंत्रित होकर पलट गई। इस दुर्घटना में स्कॉर्पियो सवार दो लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं, वहीं एक बुजुर्ग की दर्दनाक मौत हो गई है। मृतक की पहचान कुआं गांव के रहने वाले नाथूलाल सिंह के रूप में की गई है। वहीं मिली जानकारी के अनुसार दुर्घटना का शिकार हुए लोग चित्रकूट जानकी कुंड अस्पताल से नाथूलाल सिंह के आंखों का इलाज कराने के लिए जा रहे थे, तभी कोठी थाना क्षेत्र के वन विहार ढाबे के पास स्कॉर्पियो अचानक से अनियंत्रित होकर पलट गई। इस दुर्घटना में स्कॉर्पियो सवार दो लोग जहां बुरी तरीके से घायल हुए, तो वहीं बुजुर्ग नथुलाल को गंभीर चोटें आईं। स्थानीय लोगों और पुलिस प्रशासन की मदद से सभी को कोठी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए रवाना किया गया, लेकिन रास्ते में ही नथुलाल की मौत हो गई। घायलों का इलाज कोठी अस्पताल में किया जा रहा है। वहीं घटना की वजह तेज रफ्तार होना बताई जा रही है। पुलिस घटना पर मर्ग कायम कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। सतना से विराट 24 न्यूज के लिए संपत मिश्रा की रिपोर्ट। इतनी गाड़ी पैक कर दी, तहसील कोठी है, तहसील कोठी है।